मध्य प्रदेश किडनी फाउंडेशन द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट एवं किडनी को कैसे सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, इसकी जानकारी C21 मॉल में आयोजित कार्यक्रम में दी गई। कार्यक्रम में शहर के नामी डॉक्टर पहुंचे और उनके साथ जिन लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या किसी ने दी है वे लोग भी पहुंचे और अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के विचार साझा किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भंडारी ने बताया कि अपनी किडनी को स्वस्थ रख दो किडनियों में से एक किडनी किसी जरूरतमंद को देने पर दोनों स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं और ये बड़े धर्म का काम है। इससे ना तो देने वाले को तकलीफ होती है और ना लेने वाले को। मध्य प्रदेश किडनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित है कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत में जो आज किडनी की समस्या है, आज हमारे इतने लोग किडनी से ग्रसित हैं और किडनी की बीमारी मानो कैंसर से भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। खर्चे के मामले में भी परिवार को पूरी तरह से आर्थिक स्थिति से बहुत खराब कर देती है। तो हमारा मध्य प्रदेश किडनी फाउंडेशन पिछले 15 साल से यही काम कर रहा है। हम सारे डॉक्टर सालगिया, डॉक्टर लाहौटी सभी लोग हमारे साथ ट्रस्टी हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य आज वर्ष में अपना वर्ल्ड किडनी डे है, उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया है। हम सारी जानकारी दे रहे हैं कि आपको किडनी की डिसीज है उसके क्या लक्षण होते हैं, अर्ली स्टेज में उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है ताकि आपको किडनी डिसीज ना हो, ताकि आप कल डायलिसिस पे नहीं जाएँ, किडनी फेल्योर पर ना जाएँ। क्योंकि आज एक डायलिसिस का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये महीना होता है, आज किडनी ट्रांसफर का खर्चा 5 से 7 लाख रुपये महीना है और फिर रेगुलर दवाई देते, तो परिवार को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुँचता है कि हमारे शरीर में 2 किडनी है, हम 1 किडनी दान कर सकते हैं। तो आज देश में लाखों लोगों को किडनी की जरूरत है, तो हम अपनी 1 किडनी दान करके स्वस्थ रूप से जीवन जी सकते हैं। आज हमारे कई किडनी पेशेंट आए हैं जिनमें 10-15 साल हो गए, किसी ने को किडनी दी है वो भी स्वस्थ है और जिनने किडनी दी है वो भी स्वस्थ है, दोनों का जीवन बहुत शानदार चल रहा है। उन लोगों ये बताना चाहते हैं आज की प्रदर्शनी के माध्यम से कि हमें किडनी डोनेशन के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है ताकि इस देश में जो लाखों किडनी की जरूरत है उनकी किडनी की पूर्ति हो सके और उनका जीवन मुख्य धारा से जुड़ सके। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश किडनी फाउंडेशन का। इसमें हमारे साथ सभी लोग डॉक्टर सालगिया हैं, डॉक्टर लाहौटी हैं, हमारे राकेश जैन साहब हैं, दिलीप मेहता जी हैं, तमाम सारे शहर के लोग, सारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर इससे जुड़े हुए हैं। पिछले 17-18 साल से ये कार्यक्रम, मैं डॉक्टर अनिल भंडारी पेशेंट, मेरे पापा ने दी है, मुझे ट्रांसप्लांट को 10 साल हो चुके हैं, मेरा बस GI हो गया था, इस वजह से मेरी किडनी फेल हो गई थी, उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। डायलिस से तो बहुत अच्छी कंडीशन रहती है, ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल एकदम सामान्य जीवन हो जाता है आदमी का। मेरा इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, मैं कुकिंग का भी काम है, मैं टूर भी करता हूँ, महीने में 15 दिन बाहर रहता हूँ, बिल्कुल सामान्य जीवन है, नॉर्मल जीवन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छी स्थिति है, बिल्कुल बाबा की तरह भैया आराम से शॉप पे आते हैं, काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आदमी को एक भ्रम रहता है कि किडनी देने वाले को दिक्कत होगी, पर किडनी देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं कि अंगदान करना चाहिए किडनी का। आपका नाम और? रोहित राजपाली। मेरा नाम सोनी है, मेरा 7 साल से मैं डायलिसिस का पेशेंट थी, किडनी की 2.5 साल में मेरे ट्रांसप्लांट को, मेरे को किडनी जो है कैडेबल में ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्रांडेड रखी थी मेरी किडनी दी है और मैं जो डायलिसिस पर थी उससे कई ज़्यादा बेहतर मेरी कंडीशन अब, जो कि मतलब कह तो नहीं सकती लेकिन पहले से जो कंडीशन अब है वो बहुत अच्छी है और मैं अपने सारे काम अपने कर सकती हूँ, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकती हूँ। आपको चलने में दौड़ने में कुछ तकलीफ आती है? नहीं, चलने में दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर के भी सारे काम कर सकती हूँ, बाहर भी अपना काम कर सकती हूँ, जॉब वगैरह करने में कोई। किडनी के बारे में जानकारी दी है, बीमारी से लेकर यदि स्वस्थ जो व्यक्ति भी है क्या जाँच पड़ताल करानी चाहिए उसकी भी जानकारी यहाँ की स्टडीज में गाइड में आपको देखने को मिलेगी। किडनी पेशेंट भी आए हुए हैं तो कहाँ कहाँ से आए, ये कार्यक्रम सुबह 12:30 से शुरू होगी, रात को 10 बजे तक रहेगा और इसमें सारी किडनी पेशेंट आते रहेंगे। आप आष्टा से आई हैं, बाकी इंदौर से ही हैं और हम सभी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं। आप खुद भी पेशेंट हैं? हाँ जी। तो कैसा क्या रहा ट्रांसप्लांट के बाद, इलाज परेशानी? देखिए ट्रांसप्लांट
जब डायलिसिस पे पेशेंट रहता है तो बहुत तकलीफदायक स्थिति रहती है, और किडनी का जो इलाज है या तो वो डायलिसिस पे रह के, और डायलिसिस एक इलाज जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, और ट्रांसप्लांट के बाद आपका जीवन स्वस्थ हो जाता है यदि परिवार से और किडनी दें। मुझे मेरे पति ने ही किडनी दी है और हम दोनों ही एक किडनी पे हैं और दोनों 12 साल से स्वस्थ हैं, और तब से ही मैं इसी काम में